Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So, आज का हमारा problem क्या है? Number of islands. इस problem statement में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें एक m into n का 2D binary grid दे रखा है, जिसमें 1 represent कर रहा है land को and 0 represent कर रहा है water को. हमें क्या करना है यहाँ पे? Total number of islands find करना है, ठीक है? तो इस problem को हम example के through समझते हैं, फिर देखेंगे कि इसको solve कैसे कर सकते हैं, okay? सो देखो, फर्स्ट एग्जांपल में आपका क्या दे रखा है? एक ग्रिड दे रखा है जिसमें 1 एंड 0 है. हमें क्या करना है ना, जितने भी 1 यानी लैंड आपका हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कनेक्टेड है, उसको हम कनेक्ट करके एक लैंड की तरह यानी एक आइलैंड की तरह ट्रीट करेंगे, मल्टीपल आइलैंड की तरह नहीं करेंगे, और देखेंगे कि इसके चारों तरफ आपका वाटर है या नहीं है, ठीक है? सो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे हॉरिजॉन्टली यानी इस डायरेक्शन में आपका 1 1 है, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक लैंड की तरह ट्रीट करेंगे. यहाँ 0 है यानी वाटर है, रहने देंगे. इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका? वर्टिकल है. ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कनेक्ट कर सकते हैं. यानी आपका ये एक आइलैंड है, एक आपका ये आइलैंड है, और इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है. तो यहाँ पे आंसर आपका 1 ही होगा, क्योंकि ये सारे 1 जितने भी थे ना, सबको हमने कनेक्ट कर लिया है, एक बना लिया है, तो एक ही हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई है नहीं. यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? 1 होगा. ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो आप यहाँ पे क्या कितना बन सकता है. आप ये देखो, ये दोनों को कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा. यहाँ पे वर्टिकली ये दोनों है, क्या कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं. यहाँ पे दे रखा है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली होगा, तभी हम कनेक्ट करेंगे, डायगोनली हम नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये एक बन गया एक आइलैंड, क्योंकि इसके चारों तरफ वाटर है. एंड यहाँ पे एक 1 है, ये इससे कनेक्ट होगा? नहीं होगा. इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है. तो ये आपका दूसरा बन गया आइलैंड. अब यहाँ पे देखो, ये दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके एक हो जाएगा, और इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है. तो ये आपका बन गया तीसरा. यानी टोटल 3 आपका यहाँ पे आंसर है. ओके, सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम सेकेंड एग्जाम्पल का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे BFS दोनों का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम DFS का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है? सो हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे करेंगे क्या? देखो, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, काउंट ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है? यहाँ नीचे 0 रखेंगे इसको. ये हमारा टोटल काउंट रिटर्न करके देगा कितना अपने पास यहाँ पे आइलैंड बन सकते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे DFS का यूज़ करने वाला है. DFS एक्चुअली करेगा क्या? आपका जितना भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जितना भी है 1, उसको आपस में कनेक्ट करके देखेगा. 1 जितना भी होगा उसको एज ए लैंड आपका कनेक्ट कर देगा, ठीक है? ताकि हम एक ही आइलैंड की तरह इसको ट्रीट करें. DFS हम इसलिए यूज़ करेंगे. और यहाँ पे हम 2 लूप का यूज़ करने वाले हैं, ताकि हम इच कॉलम एंड रो को हम देख सकें, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 एंड 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे 1 है आपका, पहले तो हम चेक कर लेंगे क्या 1 है क्या. हाँ 1 है, तो इसके लिए हम DFS कॉल कर लेंगे. DFS में हम क्या करेंगे ना, DFS फंक्शन हम क्रिएट करेंगे एक अलग से. वहाँ पे हम करेंगे क्या, इसके चारों डायरेक्शन में फिर से हम रिकर्शन का कॉल कर लेंगे, ठीक है? वो हम कोड में समझेंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं अच्छे से. देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कराए यहाँ से, और यहाँ पे काउंट 1 कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करा, काउंट 1 कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में कर सकते हैं एक तरह से मूव, और इस डायरेक्शन में कर सकते हैं. हम वर्टिकली नहीं कर सकते, लेकिन इस चार डायरेक्शन में तो हम कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे हम इस चार डायरेक्शन में कर सकते हैं. सपोज ये आपका आई जे होगा, तो इस के प्रीवियस रो में जाएंगे तो i-1 एंड ये जे, इसके नेक्स्ट रो में जाएंगे तो i+1 एंड जे, है ना? अब यहाँ पे है तो सेम रो है, लेकिन कॉलम आपका क्या है, डिफरेंट है, अगला कॉलम है, तो आई एज इट इज, लेकिन j+1 हो जाएगा. यहाँ पे क्या है आपका, सेम रो होगा, आई एज इट इज रहेगा, j-1 हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस कॉलम है ये. इस डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं सब. तो यहाँ पे ये आई जे है आपका, समझ लो, आप इधर जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, है ना? तो इस दो डायरेक्शन में हम जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हमारा, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि आपका रो एंड कॉलम निगेटिव हो जाना है, तो हम यहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हम इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं, ठीक है? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि आप DFS का यूज़ कर रहे हो, राइट?
तो इसके डायरेक्शन में भी ये हो सकता है ना, इधर इसके हॉरिजेंटली में ये हो सकता है, इधर हो सकता है, राइट। तो इसके लिए तो आपने पहले ऑलरेडी कर रखा है, तब ना आप इस पे आए हो, फिर आप वापस इस पे जब आप कॉल करोगे डेफेस, तो इसके चार डायरेक्शन में आप जा सकते हो, तो इधर आओगे फिर वापस इधर आओगे क्या, ऐसे में तो आप करते रह जाओगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क विजिटेड की तरह ट्रीट करेंगे कि हम विजिट कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करें। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क वाटर की तरह कर देंगे, जीरो मार्क कर देंगे, ठीक है। अब 3, 4 कोई भी आप लेटर या कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे हमने जो कोड कर रखा है वहाँ पे हमने जीरो यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे आपको जीरो की तरह ही बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मार्क जीरो कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम काउंट इसके लिए कर चुके हैं, ठीक है। जब इसके लिए हम कॉल करेंगे DFS, तो यहाँ DFS कॉल करेंगे तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फिर इसके इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है जाना, जाएंगे नहीं, इधर जीरो है तो आगे जाएंगे नहीं, इधर वन है तो हम जाएंगे, लेकिन यहाँ जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको मार्क क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है, जीरो कर देंगे। फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, तो यहाँ पे आप कहाँ जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, लेकिन ऊपर आप क्या ऑलरेडी जीरो मार्क कर चुके हो, तो ऊपर जाने का कोई आपका यही नहीं, कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, आप जाओगे नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आप इधर जाओगे नहीं, जीरो है, इधर भी आप जाओगे नहीं, ठीक है, इधर आप जाओगे, हाँ जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे वन है, लेकिन जाने से पहले इसको क्या करोगे, मार्क जीरो कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जब आओगे तो इसके इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, लेकिन इधर आपका पॉसिबल जाना नहीं है, इधर जीरो हो चुका है, आप जा नहीं सकते, इधर भी जीरो हो चुका है, जा नहीं सकते, इधर भी जीरो हो चुका है, जा नहीं सकते, इसको मार्क जीरो कर देंगे। तो आप जब बैक ट्रैक करोगे तो वापस आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, आपका काउंट आप वन ही किए हो अभी तक, ठीक है। हम कंडीशन ऐसे रखेंगे ताकि हम काउंट इन सभी को एक ही तरह से ट्रीट कर सके, काउंट वन होगा, ओके। फिर इस 0-0 के लिए हम देख चुके हैं, फिर हम 0-1 के लिए देखेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, DFS कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब 1 होगा ना तभी हम करेंगे DFS का कॉल, यहाँ करेंगे नहीं, यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे 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 भी, मतलब यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे इस IGA के लिए कर सकते हो। आप इधर मूव कर सकते हो, 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 लेकिन चारों डायरेक्शन में आपका जीरो है, तो आप दोबारा DFS कॉल करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको एज ए काउंट यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट कर लोगे उसी टाइम, है ना, फिर आप इसके चारों डायरेक्शन में देखोगे, तो इसके चारों तरफ तो जीरो है, न्यू वाटर है, आप जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ओके। फिर आप यहाँ देख चुके हो, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जीरो है, देखोगे नहीं, DFS के लिए कॉल नहीं करोगे, यहाँ पे भी नहीं कर सकोगे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, तो ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इधर जाओगे तो आपका क्या होगा, पॉसिबल नहीं है, जीरो है तो वापस, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, फिर वापस, फिर यहाँ पे इसके लिए जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, जाने से पहले इसको मार्क जीरो कर लेंगे, फिर इधर जाएंगे तो इसके इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन जा सकते हैं, तो ये जीरो है, जाएंगे नहीं, है ना, वापस इधर जा ही नहीं सकते अपना, ठीक है, तो इधर जा ही नहीं सकते, इधर जीरो ऑलरेडी है, जा ही नहीं सकते, तो ये है, जाने से पहले जीरो मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना जब इसके लिए हम देख रहे होते हैं उसी टाइम हम इसको 3 यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लिए होंगे, ठीक है। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका कोड देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, ओके। सो देखो हमने यहाँ पे करा क्या है, पहले तो अपना ये फंक्शन दे रखा है, पहले आर कॉलम, आर रो एंड कॉलम सी, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, काउंट ले लिया एक वेरिएबल जिसमें हम टोटल काउंट रखने वाले हैं, और यहाँ पे हम दो लूप का यूज़ कर लिए हैं ताकि हम इच रो एंड इच कॉलम, यानी इच सेल को हम देख सकें। फिर हम चेक करेंगे क्या ग्रिड आईजी आपका 1 है, क्या 1 है, तब हम काउंट प्लस प्लस करेंगे और इसके लिए DFS का कॉल कर लेंगे। अब DFS में हम क्या कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं क्या i < 0 है, क्या क्या j < 0 है, क्या क्या j = c है, क्या या i = r है, क्या यानी आपका देखो ये r एंड c आप क्या ले रहे हो, टोटल रो ले रहे हो, टोटल कॉलम ले रहे हो, लेकिन इंडेक्स तो आपका <r> ही होना चाहिए ना, <c> ही होना चाहिए ना, जे एंड आई का वैल्यू अगर यहाँ पे इक्वल या रो के इक्वल आई हो जाएगा या जे कॉलम के इक्वल हो जाएगा या ग्रिड आपका जीरो के इक्वल होगा, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ये आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ होगा तो हम इधर जा सकते हैं, ग्रिड को क्या कर लेंगे, जीरो मार्क कर देंगे और इसके चारों डायरेक्शन में हम फिर से DFS कॉल कर लेंगे, राइट, DFS कॉल कर लेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, हमें बैक ट्रैक भी करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना कोड, यहाँ पे अपना काउंट, आप काउंट प्लस प्लस कर रहे हो, फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न काउंट कर लोगे, ठीक है।
ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।